Hey guys, I'm Vasudev और आप देख रहे हैं Mix with Vasudev। तो अभी recently मैंने Instagram पे अपनी एक पोस्ट डाली थी जिसके अंदर ये जो कस्टम मेड वोकल पैनल्स हैं जो मैंने अभी रिसेंटली बनवाए थे उनके बारे में मैंने बात की थी और ये बताया था कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कहाँ कहाँ मैं इसको यूज करता हूँ। ऑल्सो आई आस्क्ड कि आप में से कितने लोग इस पे एक वीडियो देखना चाहोगे जिसके अंदर मैं डिस्कस करता हूँ इसकी बिल्ड कि कैसे मैंने इनको बनवाया था, क्या क्या मटेरियल यूज किया था और लगभग कितनी कॉस्टिंग बैठी थी। तो आज की वीडियो में हम लोग यही तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका पर्पस क्या था इनको बनवाने का, बिकॉज ये नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग में काम आते हैं बल्कि इनके और भी एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा हम लोग सेकंड सेक्शन में देखेंगे कि मैंने क्या क्या मटेरियल यूज किया था इसकी बिल्ट में, और थर्ड सेक्शन में मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया दूंगा कॉस्टिंग का कि लगभग कितना खर्चा बैठा था इन तीनों अकूस्टिक पैनल्स को बनवाने में। तो सबसे पहले अगर हम लोग पर्पस की बात करें तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये एक वोकल बूथ की तरह एक्ट कर रहा है। इस वक्त बीच में मेरा माइक्रोफोन है और साइड्स में सारी जो भी रिफ्लेक्शन है वो सारी इसने कैंसिल आउट की हुई है। नॉट जस्ट दिस, इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ बिकॉज दैट इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पोर्टेबिलिटी। इसको मैं पोर्टेबल पैनल्स की तरह भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मिक्सिंग अ ट्रैक और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रही है मेरे रूम में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वहां पे मूव करके प्लेस कर देता हूँ एंड आई कैन मूव इट एनीवेयर। तो इसके बाद अगर हम बिल्ट की बात करें तो ये रॉकवूल से स्टफ्ड है, यानी कि इनके अंदर रॉकवूल के पैनल स्टफ्ड हैं और लगभग अगर मैं बोलूं तो दो पैनल्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो जो रॉकवूल की डेंसिटी मैंने यूज की है दैट इज 150 केजी पर मीटर क्यूब एंड दैट इज बिकॉज वो मेरे स्टूडियो की जो रॉकवूल थी वो बच गई थी, उसको मैंने इसके लिए यूज कर दिया। बट अदरवाइज आप लोग 100 डेंसिटी की भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर दिस टॉकिंग अबाउट द वुड, तो जो लकड़ी यूज की है दैट इज सिंपल प्लाईवुड और उसका सिंपल सा रीजन यही है ताकि ये लाइट वेट हो और इसको मूव करने में आसानी हो। अब अगर तीसरी चीज की मैं बात करूं जो कि है क्लॉथ, तो जो क्लॉथ आप लोग यूज करेंगे, जो फैब्रिक आप लोग यूज करेंगे अकूस्टिक पैनल्स के लिए, मूविंग पैनल्स के लिए, हमेशा वो ब्रीदेबल होना चाहिए। और ब्रीदेबल से मेरा मतलब सिंपली यही है कि साउंड अंदर बाहर जा सके, बिकॉज हमारा जो एम है वो ये है कि हमारी जो साउंड है वो इनसे रिफ्लेक्ट ना करे, रादर इनके अंदर जाए ताकि ये उसको एब्जॉर्ब कर पाए। बट यहाँ पे मेक श्योर कि आप लोग ज्यादा बड़े पोर्स वाली क्लॉथ नहीं लेते, ऐसा फैब्रिक नहीं लेते जिसके अंदर ज्यादा बड़े छेद है, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, रॉकवूल बहुत आसानी से झड़ती है तो रॉकवूल विल स्टार्ट टू कम आउट। और अगर रॉकवूल इनसे उड़ने लगी, इनके बाहर निकलने लगी, तो वो काफी ज्यादा इचीनेस कॉज करेगा विच कैन बी अनकंफर्टेबल, आपके रूम को काफी अनइजी बना देगा। So, अब अगर हम तीसरे सेक्शन की बात करें विच इज द कॉस्टिंग, तो लगभग अगर मैं रॉकवूल की बात करूं तो रॉकवूल का 8 पीसेस का पैक मैंने लगभग 1800 से 2000 रुपए का लिया था। तो अगर हम दो रॉकवूल के पीसेस की बात करें तो रफली आपकी कॉस्टिंग 500 रुपए हो गई। इसके अलावा अगर फैब्रिक की बात करूं तो फैब्रिक 3 मीटर यूज हुआ है एक पर्टिकुलर पैनल में, बिकॉज जो बैक साइड है वहां पे हमने सनमाइका लगाया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फैब्रिक को हमने सिर्फ फ्रंट में रखा है बिकॉज एक तरह से वो एस्थेटिक वैल्यू भी बढ़ाता है। सेकंड चीज, एब्जॉर्प्शन हम सिर्फ एक ही साइड से चाहते हैं, पीछे से हम नहीं चाहते कि हमारी साउंड लीक करे। दैट इज द रीजन बैक साइड जो है ये प्लेन वुड है जिसपे सनमाइका लगा हुआ है विद यू नो सिंपल बॉर्डर्स, और फ्रंट साइड पे हमने कपड़ा यूज किया है जो रफली 3 मीटर की लेंथ का था। सो क्लॉथ की अगर मैं कॉस्टिंग बताऊं तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लगभग 200 से 250 रुपए थी। तो अभी तक 700-800 रुपए का हमने सामान लगाया है विच इज रॉकवूल एंड फैब्रिक। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये सारी चीजें स्टैंड कर रही है दैट इज आवर वुड। तो व्हील्स की कॉस्टिंग, वुड की कॉस्टिंग, जो कारपेंटर भैया थे उनकी कॉस्टिंग, जो भी उनकी सर्विस है, और जो फैब्रिक वाले भैया थे जिन्होंने ये फैब्रिक को स्टफ किया है, फैब्रिक को लगाया है, बिकॉज ट्रस्ट मी इसको आप लोग कोशिश मत कीजिएगा खुद से लगाने का, अदरवाइज काफी ज्यादा रिंकल्स आ जाएंगे फैब्रिक में, बिकॉज दे आर द स्पेशलिस्ट, उन लोगों को ढंग से पता है पार्टीशन में कैसे फोल्ड्स करने हैं, कैसे अवॉइड करना है कि बीच में आपकी क्लॉथ जो है वो कलेक्ट ना हो और आपके रिंकल्स ना आए क्लॉथ में। सो प्रॉपर स्टेपल गन के साथ उन्होंने इसको स्टेपल किया था। तो लगभग ये सारी कॉस्टिंग अगर मैं मिलाऊं एक पैनल की तो वो 2500 से 3000 रुपए थी। तो अगर हम एक रफ कॉस्टिंग की बात करें एक अकूस्टिक पैनल की, तो आपकी रॉक वूल, फैब्रिक, कारपेंटर भैया, फैब्रिक भैया और जो भी वुड और एक्स्ट्रा सामान लगा है उस सब की अगर कॉस्टिंग मिलाए तो लगभग वो आपकी 3500 से 4000 रुपीज बैठती है। और अगर मैं तीनों पैनल्स की बात करूं मैक्सिमम 12000 रुपए, और अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज काउंट करूं और एक टोटल बजट आप लोगों को दूं, आप लोग लगभग 15000 रुपए के अंदर ये कस्टम मेड पैनल्स बनवा सकते हैं जो कि पोर्टेबल भी हैं, जिनको आप मल्टीपल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका मिक्सिंग हो गया, मास्टरिंग हो गया एंड ऑफ कोर्स आपकी रिकॉर्डिंग हो गई। तो इनकेस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने स्टूडियो मेकिंग की और चीजें शेयर करूं और डिटेल्स शेयर करूं, जैसे कि मैंने ये जो मेरे ऑक्टागन पैनल्स थे वो कैसे बनवाए, या फिर अगर मैं बेस ट्रैप्स की बात करूं उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी बनवाने में, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये सारी चीजें डिस्कस करूं एक और सेपरेट वीडियो में, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर इस वीडियो पे 2500 लाइक्स क्रॉस करते हैं तो मैं जल्दी एक और ऐसा वीडियो लाऊंगा, ऐसा
ऐसा इंटरेक्टिव वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको इनसाइड आउट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैंने क्या क्या मटेरियल यूज किया था, कैसे लगवाया था एंड उसकी कितनी कॉस्टिंग बैठी थी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट। I'm not going to be able to do that.